उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नौगावा सादात विधानसभा सीट को लेकर होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। प्रत्याशी वोट मांगने के लिए एक से एक तरीके अपना रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश सिंह के लिए वोट मांगने को लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी ने नायाब तरीका इख्तियार कर लिया है। उन्होंने बैलगाड़ी से गांव गांव जाकर वोट मांगना शुरू कर दिया है और भाजपा सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश सचिव सचिन चौधरी जो अमरोहा लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने आज नौगावा सादात विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही डॉक्टर कमलेश सिंह के चुनाव प्रचार के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ने का बकाया भुगतान नहीं दिया है और पेट्रोल और डीजल भी महंगा कर दिया है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। हमें चुनाव प्रचार के लिए बैलगाड़ी से प्रचार करना पड़ रहा है क्योंकि हम तरसते हैं, पेट्रोल के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। थोड़े नीचे रखो। देखिए, ऐसा है, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आज गाड़ी पे बैठकर वोट मांगने पड़ रहे हैं बैलगाड़ी पे। किसान जो है ट्रैक्टर नहीं चला पा रहा है, जनरेटर नहीं चला पा रहा है, फसलें नहीं उगा पा रहा है। किसानों का 250 करोड़ रुपए अब भी गन्ने का बाकी है। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी को पंजे के निशान पर वोट देकर विजयी बनाएं और तेल सस्ता करें, ये हमारा नारा है आज की डेट में। देखिए, तेल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, गाड़ियों में तेल नहीं है। आज के टाइम में किसान के पास जो उसका ट्रैक्टर चलाने के तेल चाहिए वो नहीं डलवा पा रहा है। इतनी बुरी स्थिति देश की है, बीजेपी वालों ने कर दी है कि जनता परेशान हो गई है, हाहाकार मच रहा है। इसलिए बैलगाड़ी से हमारी गाड़ियों में तेल नहीं है, मेरी खुद की गाड़ियों में तेल खत्म हो गया है, हमारे ट्रैक्टरों में तेल खत्म हो गया है और बीजेपी का भी तेल खत्म हो गया है। इसलिए हम लोग बैलगाड़ी से वोट मांग रहे हैं गांव गांव जाएंगे क्योंकि हमारे पास चलने के लिए तेल नहीं बचा। बीजेपी का वोट तेल खत्म हो गया, कल योगी कहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, योगी जी आ रहे हैं 100 लोगों की मीटिंग करने आ रहे हैं। अगर 100 लोगों से ज्यादा सभा योगी आदित्यनाथ करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। और प्रियंका गांधी की जी की 50,000 लोगों की सभा होगी अगर योगी जी की 100 लोगों से ज्यादा की सभा होती है, और हम उसका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और खदेड़ देंगे आपको उनको यहाँ से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.